इंडिया में वीवो की तरफ से इंडियन मार्केट में वीवो की वीवो V27 सीरीज देखने के लिए मिली थी। इस सीरीज में आने वाले स्मार्टफोन्स काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आते थे, चाहे वो बैटरी हो, डिस्प्ले हो या कैमरा। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे देखने के लिए मिलते थे। तो गाइस यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि वीवो की वी सीरीज में आने वाले स्मार्टफोन्स एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स होते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग गेमिंग एंड फोटोग्राफी वगैरह काफी अच्छी एंड इजी तरीके से कर पाते हैं। तो गाइस वीवो की वीवो V27 सीरीज की सक्सेसर वीवो V29 सीरीज इंडियन मार्केट में जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो गाइस इसी सीरीज में से एक स्मार्टफोन वीवो V29 E5G स्मार्टफोन जल्दी इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं और आप लोगों को बताएंगे कि ये स्मार्टफोन अपने साथ क्या क्या फीचर्स वगैरह लेकर आएगा और हमें इंडियन मार्केट में कब तक और किस प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग सके कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है और आप लोग एक अच्छा स्मार्टफोन बाय कर सको। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और गाइस अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग आगे भी ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो से अपडेट रह सको। तो गाइस वीडियो में बिना वक्त बाय वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर बैक साइड में ग्लास बैक के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जो कि सिंगल फ्लैश लाइट के सपोर्ट के साथ आएगा। एंड वही फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड में सेंट्रल पंचोल कटआउट के साथ एक कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस ये स्मार्टफोन काफी लाइट वेट और स्लिम रहने वाला है, तो यहाँ पर आप लोगों को इनहैंड फीलिंग वगैरह काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हमें वीवो ने इस स्मार्टफोन के साथ डिजाइन काफी अच्छी प्रोवाइड कराई है। तो गाइस मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को डिजाइन को लेकर कोई भी शिकायत देखने को मिलेगी। और वहीं ये स्मार्टफोन 6.7 इंच की एक 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और यहाँ पर हमें 391 PPI पिक्सल डेंसिटी और HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग HDR कंटेंट वगैरह काफी अच्छी तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे। और वहीं 85.9% का स्किन टू बॉडी रेशियो है, तो यहाँ पर आप लोगों को चिन एंड साइड वेजेस वगैरह काफी कम देखने के लिए मिलते हैं। और वहीं आप लोगों को इस डिस्प्ले के साथ ब्राइटनेस एंड कलर्स वगैरह काफी अच्छी देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप लोग कॉन्टेंट वॉचिंग वगैरह ज्यादा करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का एक्सपीरियंस काफी इम्प्रेसिव होने वाला है। और वहीं परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480+ 5G प्रोसेसर मिलेगा, जिसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 3 लाख के करीब आता है। और वहीं GPU 619 देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस बिल्कुल डिसेंट प्रोवाइड कराई गई है। तो गाइस अगर आप लोगों को एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो गाइस इस स्मार्टफोन को मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो इतना कैपेबल नहीं है जो आप लोगों को काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराए। तो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग गेमिंग के पर्पज से स्मार्टफोन को परचेज कर रहे हो तो गाइस इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा, बाकी आप लोग यहाँ पर डिसेंट गेमिंग वगैरह कर पाएंगे। अगर हाँ आप लोगों को उतना गेमिंग वगैरह करना पसंद नहीं है तो आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। और वहीं रैम एंड स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो 8GB से लेके 12GB तक के रैम ऑप्शंस एंड 128GB से लेके 256GB तक के स्टोरेज ऑप्शंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें रैम एंड स्टोरेज ऑप्शंस काफी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो रियर साइड में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मेन सेंसर 64 MP का जो कि OIS की टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, एंड वहीं 2 MP का एक और सेकेंडरी सेंसर देखने के लिए मिलेगा। और वहीं फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड में 50 MP की एक सेल्फी देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर हमें रियर साइड में मेन कैमरा के साथ OIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर आप लोग काफी स्टेबल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस स्मार्टफोन के रियर साइड से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग एंड वही फ्रंट साइड से 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सेल्फी भी काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आप लोग काफी अच्छी सेल्फी एंड वीडियो कॉलिंग वगैरह कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें इस स्मार्टफोन के साथ काफी अच्छा कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को कैमरा को लेकर कोई भी इशू फेस करने को मिलेगा। और वहीं कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, टाइप सी का सपोर्ट, और वहीं ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 और अपने लेटेस्ट OS फनटच OS 14 पर रन करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और वहीं बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 4600 mAh की एक बड़ी बैटरी जो कि 80W की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी। तो यहाँ पर हमें बैटरी भी काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, और वहीं 80W की फास्ट चार्जिंग है तो आप लोग फोन को काफी जल्दी भी फास्ट चार्ज कर पाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को बैटरी और चार्जिंग को लेकर कोई भी इशू फेस करने को मिलेगा। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में। तो गाइस इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग हमें इंडियन मार्केट में 25,000 के अराउंड देखने के लिए मिलेगी, और वहीं ये स्मार्टफोन 31 अगस्त के अराउंड इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। तो गाइस ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस स्मार्टफोन को लेकर, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए
बताइएगा कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आगे भी ऐसी हेल्पफुल टेक वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।